दिग्गज एक्टर देवानंद की यादें तबाह होने जा रही हैं। उनका वो बसेरा बिक गया है जहां देव साहब ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए। इस बंगले की डील 350 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के बीच में हुई है। देवानंद अपनी पत्नी कल्पना कार्तिक, बेटे सुनील और बेटी देवीना के साथ 40 साल तक इस बंगले में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ये बंगला रियल एस्टेट कंपनी को बेचा गया है। पेपर्स का काम लगातार जारी है। मुंबई की सबसे प्राइम लोकेशन पर बने इस बंगले को तोड़कर 22 मंजिल के फ्लोर बनाए जाएंगे। ये बंगला पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए यादों का खजाना है। इस बंगले में कभी डिंपल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेस भी रही थीं। साल 1950 में जब देवानंद ने जुहू में अपना घर बनाने का फैसला किया, तब इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक इंटरव्यू में देव साहब ने बताया था कि ये जगह उन्होंने इसलिए चुनी क्योंकि उस वक्त जुहू एक छोटा सा गाँव था और वहाँ पूरा जंगल था। सूत्र के मुताबिक देव साहब का घर इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उनका बेटा सुनील अमेरिका में रहता है जबकि बेटी देवीना मां कल्पना कार्तिक के साथ ऊटी में रहती हैं। मुंबई में संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और इसलिए उन्होंने बंगला बेचने का फैसला लिया है। इससे पहले देव साहब की पनवेल वाली संपत्ति को भी बेच दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल पहले जब देवानंद का स्टूडियो बेचा गया था तो उससे जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल 3 अपार्टमेंट्स को खरीदने में किया गया था, जिसमें से एक अपार्टमेंट उनके बेटे सुनील, दूसरा उनकी बेटी देवीना और तीसरा उनकी पत्नी कल्पना को दे दिया गया। इस बंगले से जो भी पैसा आएगा उसके भी 3 हिस्से किए जाएंगे। देव साहब के बंगले को देखने के लिए लोग अक्सर जाया करते थे। देव साहब का बेटा भी एक्टर बनना चाहता था लेकिन उसका सिक्का फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चल सका और इसलिए वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया। बाकी उनकी बेटी और पत्नी भी मुंबई छोड़कर ऊटी बस चुके हैं। देव साहब ने जो विरासत बनाई वो धीरे धीरे अब मिटती जा रही है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।